अच्छा जी, सॉरी, मेरी असल में कोई इंटरनेट का में कोई ड्रॉप आया था कहीं, खैर अब वापस आ गया। तो मैं कह रहा था कि ये कोई, मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं, मेरे को बहुत हाई मॉरल्स हैं, मेरे अंदर भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी वो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक बिजनेस की एथिक्स होती हैं, कोई ऐसे रूल्स होते हैं बिजनेस के जो आपको समझने चाहिए और उन पे अमल करना चाहिए, और यू यू शुड प्ले बाय द रूल्स। और हाई मॉरल ग्राउंड जो होती है ना, वो हमेशा विनिंग मॉरल ग्राउंड, वो विनिंग ग्राउंड होती है, जो हाई मॉरल ग्राउंड होती है। वो आप वीए के तौर पे काम कर रहे हो, आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, आप रिक्शा चला रहे हो, आप उबर चला रहे हो, आप किसी कंपनी के सीईओ हो, जो कुछ भी हो जिंदगी में, तो ये जो चीज़ है, ये जो मॉरलिटी है, ये बहुत बहुत जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। उसामा वो सेशन है अवेलेबल, इसके ऊपर होगा पहला पार्ट इसका। अच्छा, अब वो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, और ये हम नहीं समझ पा रहे। हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमें ना अजीबोगरीब किस्म की हमारी वाइब्स जो हमारी, इवन हमारी, अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर टाइम गुजारते हैं, तो वो वाइब्स जो है ना, वो सारी नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि वो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमें पता ही नहीं चला होता, चल रहा होता, और हम एक नेगेटिव सेंटिमेंट का पार्ट बन रहे होते हैं, ये नेगेटिव डिस्कशन का, ये नेगेटिव एक्टिविटी का, सोशल एक्टिविटी का पार्ट बन रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई, अब वो जैसे कि सियासियात के ऊपर बहस होती है, अजीब लोग, मैं अपनी वॉल पे देखता हूँ ऐसे बड़े मुझे शहजादे मिलते हैं मेरे अपने फ्रेंड्स में, वो पीछे पड़ जाते हैं, कोई बेनज़ीर के पीछे पड़ जाता है, कोई बिलावल भुट्टो के पीछे पड़ जाता है। मैं भी एक दो बार इंडल्ज हूँ इस ऐसे गेम में, फिर मुझे बाद में एहसास हो गया यार ये एवं ही हो गया, यानी कि जिन्होंने कहते हैं इन द फ्लो ऑफ थिंग्स। तो वो अजीबो गरीब किस्म के क्या क्या लग रहे होते हैं, और अजीबो गरीब मजाक हो रहे होते हैं उसके ऊपर, लैंग्वेज भी अजीबो गरीब यूज़ हो रही होती है। तो पॉइंट बीइंग कि हम चीज़ें जो है ना, वो समझते नहीं हैं, डेप्थ में जाके सोचते नहीं हैं, रिट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि अब कलेक्टिवली हम एज अ नेशन भी किस तरफ जा रहे हैं, या जैसे लोग हमारी वॉल के ऊपर नज़र आएंगे और जैसा काम करेंगे, हम उनसे इंस्पायर होंगे अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, हम भी वैसी एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे। जैसे वो कहते हैं कि अगर आपने माइंडसेट बेहतर करना है, तो आप विनिंग माइंडसेट के लोगों के साथ बैठें, उठें बैठें, उनके साथ गपशप करें। जैसे वो एक मिसाल है कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो हम जो है ना, इसी तरह कि हम, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसी होती है, हमारी वॉल पर जो हमें नज़र आ रहा होता है सोशल वॉल्स के ऊपर, हम वो उसी तरह के बहाव में बहते जा रहे होते हैं, और हम उस मॉरलिटीज़ की डेफिशिएंसीज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा ऐसा वो हमारा नॉर्म बन जाती हैं, जब नॉर्म बन जाती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ गलत है या नहीं है, क्योंकि हम वी कैन नॉट टेल द डिफरेंस। तो इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि जब मैं ऑफिस में था, कंपनी की गाड़ी, कंपनी का फ्यूल सब कुछ, तो कंपनी अलाउ करती थी ड्राइवर को भी, और कंपनी 300 लीटर्स पेट्रोल भी हर महीने देती थी। तो मैं, मेरी बहुत, क्योंकि टफ रूटीन होती थी जॉब की भी, वो लोगों को पता है जो मुझे जानते हैं, वो कुछ इस ग्रुप में भी हैं, तो मैं घर से उठता था और ऑफिस जाता था, और ऑफिस छूट के घर आ जाता था, या फिर वीकेंड्स पे बच्चों को कहीं बाहर ले जाता था, अदरवाइज डेली रूटीन में कुछ भी नहीं था। तो मेरा ना कोई 45-50 लीटर तेल लगता था पूरे महीने में, क्योंकि मेरा घर बहुत करीब है मेरे मेरे एक्स ऑफिस से। तो मैं ना उसी का बिल फाइल होता था मेरा, जबकि कुछ और ऐसे हमारे शहजादे कोलीग्स थे, अल्लाह उनको नसीहत दे, वो पूरा 300 का 300 लीटर चार्ज करते थे। वो जैसे भी करते थे, वो उनका ईमान उनके साथ या उनकी मोरालिटी उनके साथ। तो एथिक्स या मॉरल्स की जो डेफिनेशन है ना, सॉरी, वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है। वो कहाँ से डेवलप होती है? वो उसकी जीनियोलॉजी आती है वहाँ से, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम टाइम स्पेंड करते हैं, जिन लोगों के साथ हम वक्त गुजारते हैं, वो वहाँ से आती है।
तो मैंने अब ना बहुत क्लियरली, क्योंकि मेरी वॉल जो है वो बहुत से लोगों से भर गई है जिनको मैं पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, वो बस अमेज़ॉन से कहीं इधर उधर से कहीं, जैसे वो पॉप हो जाते हैं लिस्ट में और उन्होंने क्लिक कर दिया, मैंने भी उनको वो कर दिया। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने देखा वॉल पे, ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उसके अंदर बहुत सारे अजीबो गरीब किस्म की सोच के मिक्सचर पैदा हो गए हैं, तो मैंने अपनी वॉल की बजाय जो अपना होम स्क्रीन थी वो चेंज कर ली अपने ईओ ग्रुप के ऊपर। अब मुझे नहीं पता इस वक्त होता कि जी बाकी मेरी वॉल के ऊपर क्या हो रहा है, जो सच्ची बात, अनटिल अनलेस कि मैं अपनी वॉल पे जाऊं और कोई पोस्ट करूं, और उस वक्त भी मैं उस पोस्ट को ही देखता हूं, वॉल पे कहीं कभी नहीं जाता, जिसे न्यूज़ फीड आप बोलते हैं। उसे क्या होता है, आई स्पेयर माई सेल्फ ऑल द एग्नीज एंड ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट्स, इन सारी चीज़ों से मैं बचा रहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ टाइम गुजारता रहता हूँ यहाँ ग्रुप में, जब भी मैं फेसबुक के ऊपर होता हूँ उधर जाता ही नहीं हूँ। तो क्या होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी से बच जाता हूँ, बहुत सारी टेंशन से बच जाता हूँ, बिला वजह की जो टेंशन है, बहुत सारी मार कुटाई लड़ाई से बच जाता हूँ, कि कोई जवाब बात कर देगा फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर हो सकता है इन द फ्लो ऑफ द मोमेंट मैं भी उसको बात कर दूंगा आगे, और बात कहीं से कहीं बढ़ जाए। तो वो इस सारे अजाब से बचने का एक बड़ा आसान मुझे तरीका ये समझ आता है कि मैं लाइक माइंडेड लोगों के दरमियान, जो जैसे एक तरह से आप मेरी फैमिली हैं, मेरा जैसे मेरा ऑफिस था, इस तरह से आप जो है वो हम सारे एक दूसरे को जानते हैं या हम एक दूसरे से वाकिफ़ हैं किसी हद तक। तो आई प्रेफर टू स्पेंड टाइम विद यू गाइज ऑल द टाइम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको ना पता भी नहीं लगती, ये ऐसी ऐसा एक पॉइजन है, ये आपको पता भी नहीं चलता है, स्लो पॉइजन है आपके अंदर सिराइत कर जाता है नेगेटिविटी का और डेफिशिएंसीज का और इन एथिकल चीज़ों का। और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और फिर उन लोगों के जो इस सारी चीज़ से बचे होते हैं उनकी नज़र में आप लो मॉरल्स रखते हैं, या वो आपको वो क्लियर, दे कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम देयर लॉट, वो ईजीली बता सकते हैं। मतलब जैसे आप देखें ना कि पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं और कई सालों से बाहर बैठे हुए हैं, उनके मॉरल्स जो हैं वो हमसे बहुत आए हैं, बहुत आए हैं एज अ नेशन और एज एन इंडिविजुअल, उनके बहुत, क्योंकि वो उस तरह के कल्चर में रहते हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ें सराहियत कर गई हैं। उसके एक बड़े छोटे से मिसाल है, मेरे एक दोस्त हैं इफाम कियानी उनका नाम है, यूके में होते हैं, बड़े सालों से यूके में वो पाकिस्तान आए एक बार, बहुत सालों पहले की बात है, तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है। तो वो बेसिकली मेरे म्यूचुअल फ्रेंड है, मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके फ्रेंड है वो पाकिस्तान आए, तो हम ना उन्होंने कहा यार मैंने ना पान खाना है, हम उन दिनों में मैं इस्लामाबाद में था, तो हम रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट चले गए, वहाँ पान बड़ा शानदार एक बंदा बनाता है, उसके पास हम रात को 3 बजे 2:30 बजे हम चले गए, और हमने ना पान ले लिए वहाँ से, मीठे पान ले लिए, खाने लगे। अब उस बंदे ने जब पान खोला और खाया, तो उसके बाद ना वो इधर उधर देख रहा था, अब गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। तो जो मेरे दोस्त हैं लुत्फुल्ला साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, मेरे से बड़े सीनियर हैं वो, उन्होंने कहा यार एफ तू क्या कर रहा है, जो बैंक दे बाहर खिड़की खोल के रैपर जो है इसका पान का, उसने कहा यार आर यू क्रेजी, दिस इज़ हाउ यू ट्रीट पाकिस्तान। उस बंदे ने वो उसको कागज़ को इकट्ठा किया अपने हाथ में और अपने कोट की पॉकेट में, जो कि उसने उस वक्त हम उसको एयरपोर्ट से लेके आ रहे थे, और वो जो जैकेट या कोट जो भी उसने पहना हुआ था कैजुअल ट्रैवलिंग का जो होता है अटायर जो होता है, उसकी पॉकेट में रख लिया उस बंदे ने। ही डिडेंट थ्रो आउट दैट रैपर, कैन यू बिलीव दिस, वट डज इट टेल यू, इट टेल्स यू दैट ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके मुकाबले हमारे मोरालिटी क्या है, हम क्या, हमने खाया, हमने तो बाहर फेंक दिया, जैसे हम करते हैं, हालांकि हम इस्लामाबाद में बड़ी सफाई होती है, बड़ा साफ सुथरा शहर है, लेकिन हमने फेंक दिया। तो दिस इज़ वेयर वी लैक, यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, और हमें यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और ये ऐसे नहीं होगी कि जी हम लोगों के सामने कुछ और हों, पीछे कुछ और हों, और लोगों के फेस पे हम कुछ और बात करें, पीछे कुछ और बात करें। मतलब आपको एक सेलर ने हायर किया है, आप उसको उस वक्त तो कहेंगे यस सर यस सर यस सर, और जब वो बैल चले तो जैसे मुंह परे हो तो आप कहेंगे यार की लानती आदमी है यार,
बंदा दिमाग ख़राब हो जाता बंदे का, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। फिर आपको जो आपके, मैं इसलिए तो स्ट्रेट शूटर हूँ, लोग मुझे मेरे से नफ़रत ज़रूर करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं स्ट्रेट शूटर हूँ। स्ट्रेट शूटर क्या होते हैं, वो सीधी बात करते हैं फेस के ऊपर, वो दिल में नहीं रखते, वो उनको जो कंसर्न्स होते हैं वो डायरेक्टली बात कर देते हैं, मुंह पे बात कर देते हैं। वो ज़रूरी होता है, उसकी वजह यह है कि आपके अगर कोई कंसर्न्स हैं या कोई इश्यूज़ हैं तो आप उसको शेयर करें उसी वक्त, ओपनली उसको डिस्कस करें और ख़त्म करें उस मामले को, अपने अंदर कदूरते ना पैदा करें, या अपने आप को वो मौका ना दें जहाँ पे आप लोअर मॉरल ग्राउंड की तरफ ट्रैवल कर रहे हो। आप क्लैरिफाई करें उस चीज़ को वहीं पे। मैं अपनी टीम के साथ अभी यहाँ पे इस ग्रुप के मॉडरेटर्स आपको बता सकते हैं, इस ग्रुप के लोग आपको बता सकते हैं जो मेरी टीम इस ग्रुप में बैठी हुई है, कि मैं उनके साथ ये काम करता हूँ। मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, और जब मैं ये नहीं करता सिर्फ खुद कह के अपनी बात कह के निकल जाऊँ बस ठीक है जी, मैं उनकी बात सुनता हूँ आगे से। मैं उनसे स्पेशली जब मैं अपनी बात कहता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ ये बात, ये यहाँ पे माहीन बैठी हुई है, ये माहीन आपको अभी बता देगी ये बात, कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपनी साइड आप मुझे बताओ, अपनी साइड बताओ। ये सारी मॉडरेटर्स के सारा जो स्कीम है वो माहीन के थ्रू सारा निज़ाम चलता है। तो मैं माहीन को, अगर मैं कोई डिसीजन भी देता हूँ किसी बात के ऊपर, तो मैं माहीन से उसका फीडबैक लेता हूँ पहले। ये सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ अपनी बात ख़त्म करने के बाद, या मैं कोई बात कहने के बाद, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपना डिसीजन रोल बैक किया है उनकी फीडबैक के बाद, उनकी रिजर्वेशंस के बाद, जब वो मेरे से शेयर कर लेते हैं कि जी ये मेरी नज़र में इस वजह से ये ठीक नहीं है, या ये टाइम नहीं है, या ये मसला होगा इसके बदले में, या मैं इस पे कन्विंस नहीं हूँ, या आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाए, तो मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो मैं कन्विंस कर लूँ, और अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं रोल बैक कर लेता हूँ अपना डिसीजन। क्योंकि जब तक मैं, मेरी और मेरी टीम की अलाइनमेंट नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, वो ओनरशिप ही बिल्ड नहीं हो सकती, हमारा पर्पज़ एक नहीं हो सकता, उसमें यकसोई नहीं आ सकती, हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम उससे वो रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि हम टीम है एक, और अगर हम दोनों, हम एक दूसरे से फ्रिक्शन रखते हैं, मैं यानी कि मैं और मेरी टीम, तो हम कभी वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकेंगे उस खूबी से या उस परफेक्शन से जिस तरह हमें करना चाहिए। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसको बैठ के या तो डिस्कस करें, उनको क्रश आउट करें डिफरेंसेस को, और या फिर हम रीस्ट्रेटेजाइज करें, नए एंगल से सोचें, कोई नया तरीका रखें, और ऐसा तरीका निकालें जिसमें हम सारे एग्रीड हों, और फिर उससे वही रिजल्ट हासिल करें जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। तो ये वासिफ ने भी ज्वाइन कर लिए, ये भी बाहर रहते हैं, इन्हें भी अंदाज़ा होगा इन सारी चीज़ों का। तो मकसद कहने का ये है कि मोरालिटी जो है ना, वो वीए के लिए तो बहुत, यार मैं कहता हूँ आप सबसे लोएस्ट स्टेप पे हैं फूड चेन के, अमेज़ॉन के, जब आप आते हैं, और यहाँ से कामयाबी का सफ़र स्टार्ट होता है आगे, अगर आपके अच्छे स्किल्स हैं, आपकी मोरालिटी अच्छी है, और चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, आप ग्रो करते जाते हैं हाई मॉरल ग्राउंड से, आपको लोगों से काम लेने में आसानी होती है, क्योंकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पता होता है यू एन ट्रू एंड फेयर पर्सन, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छे तरीके से, रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी टीम के लोग। अभी ये कल मैंने देखा यहाँ पे किसी, मैंने ऐसे कोई पोस्ट डाली, और उस बंदे ने उसके ऊपर, शोएब के पता नहीं क्या नाम था उस बच्चे का, लड़के का, उसने कहा जी मेरी परसेप्शंस जो है ना पहले कुछ और थी, मेरी परसेप्शंस चेंज हो गई हैं। हाउ डू यू डू दैट, आई मीन हाउ डू यू डू दैट। एक बंदा कल आपको गालियाँ निकाल रहा है, और वो एक जगह से आ रहा है, और वॉल्स पे पढ़ के आ रहा है कि जी रिजवान जफर दुनिया का गंदा अंडा है, और वो आता है और वो ग्रुप ज्वाइन करता है, और वो देखता है, और 5 मिनट या 10 मिनट या 2 हफ्ते या 2 महीने यहाँ गुजारता है, और उसके बाद वो कहता है यार कि दिस इज़ द होल न्यू गेम, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मैं तो आया था इस बंदे की बेइज्जती करूँगा, सो गंदा अंडा बोलूँगा, यहाँ तो दुनिया कुछ और है, यहाँ तो कहानी कोई और है। तो हाउ वॉज दैट मेड पॉसिबल? इट वॉज मेड पॉसिबल फ्रॉम हायर मॉरल ग्राउंड, और हायर नॉलेज स्केल, और वॉट एवर योर कमांड वॉज, और जो भी कोई चीज़ें हों जो आपके हाथ में था, जो क्वालिटीज थी आपकी, दिस इज हाउ यू
चेंज पीपल लाइव्स, दिस इज हाउ माय बॉस चेंज माय लाइफ, दिस इज हाउ पीपल इंटरैक्ट, दिस इज हाउ पीपल डेवलप पीपल अंडर देम, दिस इज हाउ टीम्स आर मेड, दिस इज हाउ नेशन इज बिल्ट. ऐसे होती हैं ये चीज़ें. अब वो मेरे से कल कोई बंदा बात कर रहा था चैट के अंदर, मेरी बात हो रही थी कल इसी टाइम मेरे ख्याल में, और वो बंदा मुझे ये कह रहा था कि रिजवान भाई इसमें पैसा कहाँ है, आप ये जो सारा काम कर रहे हैं, ये सारा जो आप कर रहे हैं, वेयर इज़ द मनी, आप ये क्यों कर रहे हैं ये ओशियो का. तो मैंने उसको कहा यार पैसा भी बनाया जा सकता है. उसने कहा कैसे. मैंने कहा यार बात ये है कि किसके पास पैसा ज़्यादा है, क्या वो लड़का जो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है और वो पैसे इधर उधर से माँ बाप से मांग के या जिस तरह से भी इधर उधर की छोटी मोटी जॉब्स करके इकट्ठा करके अभी कोर्स की फ़ी दे, उसके पास पैसा ज़्यादा है, या जो पहले सेलर है उसके पास पैसा ज़्यादा है, या जो ब्रांड है उसके पास पैसा ज़्यादा है, और आपको कौन सा ये एज इट इज़ है वो डिस्कशन. वो बंदा जब ये लेक्चर सुनेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि मैं कोई इसमें दो राय नहीं कर रहा, मैं सीधी बात वहाँ पे जो उसके साथ मैंने की थी वो आपके साथ भी कर रहा हूँ कि जी, या फिर वो जो है ना वो सेलर की बजाय नेक्स्ट स्टेप है कि वो ब्रांड बन गया और वो ब्रांड के पास ज़्यादा पैसा है सेलर से, तो किसके पास इन तीनों में से ज़्यादा पैसा है. तो उसने कहा जी ऑब्वियसली जो ब्रांड बन जाएगा कोई ग्लोबल या नेशनल लेवल का, उसके बाद पैसा ज़्यादा होगा. तो मैंने कहा यार मेरा ऑब्जेक्टिव है लोगों के ब्रांड बनवाना, तो जब मैंने कमाना है ना तो मैं ये स्टूडेंट से नहीं कमाना चाहता, मैं उन ब्रांड से कमाना चाहता हूँ जो अफोर्ड करते हैं, जिनको मैं कमा के दूंगा और उसमें से पैसा लूंगा. मैं इनसे पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं इन लोगों से जिनके जो मजबूर हैं, जिनमें या वो कमा नहीं रहे या उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है जो अफोर्ड करें उनकी फीसिस को कोर्सेज के अंदर, मैंने कहा मैं इनसे कोई पैसा नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं हर चीज़ इनको बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ, किसी मसले के बगैर बताता हूँ, बगैर कोई चीज़ छुपाए बताता हूँ. क्योंकि इनमें से लोग पहले वीएस बनेंगे, फिर वो सेलर्स बनेंगे, फिर वो ब्रांड्स बनेंगे. वो जब ब्रांड्स बन जाएंगे तो उनके पास पैसा होगा, वो ब्रांड बन जाएंगे ना. तो दुनिया का जितना मर्जी बड़ा ब्रांड बन जाए ना कोई, उसको हमेशा लोगों की कंसल्टेंट्स की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है. तो अगर उस बंदे को आज मैंने सिखाया होगा या मेरे बिजनेस ने या मेरे इकोसिस्टम ने उसको सिखाया होगा और उसको इस काबिल बनाया होगा, तो क्या वो मुझे ना करेगा उस बिज़नेस को देने के लिए कभी ज़िंदगी में. हाँ वो ठीक है दो चार मेरे जैसे बीच में से निकल आएंगे बेदीद किस्म के लोग, लेकिन बाकी जो 98% होंगे क्या वो मुझे ना करेंगे कभी, या मेरी बात मैं उनको वो मेरे पास आएंगे कि जी ये करें तो मेरी कंसल्टेंसी लेने के लिए आएंगे, और अगर मैं उनसे कोई पैसे चार्ज करूंगा एक मिसाल की बात है, तो वो क्या मुझे ना करेंगे उस टाइम पे. तो ऐसा नहीं होता. उन इंसान उसको स्क्वीज करे जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको क्या स्क्वीज करे. ये तो ये पाकिस्तान का अलमिया यही है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हम गरीबों को स्क्वीज़ करने के चक्कर में रहते हैं, बिजली के बिल बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ा दो, अमीर फिर रहे होते हैं. तो अगर आपने पैसा ही कमाना मकसद है तो फिर मैं ब्रांड से कमाऊंगा, और मैं कमा रहा हूँ, मैं गोरों के ब्रांड से पैसा कमाता हूँ. तो मैं उस मॉडल को यहाँ भी चेंज नहीं करना चाहता. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मामलात हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है. हमें इन लोगों की मजबूरियों को कैश नहीं करना, जो लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं या जो अपना मुस्तकबिल तलाश करने के लिए फिर रहे हैं, यूथ है उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, उनके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, और अगर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनकी फ़ीसें हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और अगर कर भी लेते हैं तो अगर उनको वैल्यू नहीं मिलती तो वो पैसा भी ज़ाया हो जाता है. वो फिर क्या करते हैं, वो बाय हुक एंड क्रूक, अगर उनको डेफिशिएंट ट्रेनिंग मिलती है बाय हुक एंड क्रूक जाके वो गोरों से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं फ्रीलांसिंग में, उसमें वो अपना नाम ख़राब करते हैं, बाकी लोगों का नाम ख़राब करते हैं, ट्रेनर्स का भी नाम ख़राब कर देते हैं अपने. तो इससे बहुत बेहतर है कि आप उन्हें कहेंगे यार फ्री सीख लो भाई, सब कुछ फ्री सीख लो, हर चीज़ फ्री सीख लो, और जाओ और मॉरली एक अच्छी जगह से स्टार्ट लो, एक सॉलिड ग्राउंड से स्टार्ट लो, एवर चेंजिंग सैंड से स्टार्ट ना लो,
और वहाँ से आगे जाओ, बढ़ो, अपने लिए कमाओ, फिर अपने आप को किसी काबिल करो, फिर सेलिंग शुरू कर दो, फिर ब्रांड बना लो। बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है बात। आपको क्या लगता है कि ये जो मॉर्गन फ्रीमैन है, एक बहुत बड़ा एक्टर है, इसी तरह से IBM है, एप्पल है, इन लोगों को क्या कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं होती इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को? अब ये पर्सनालिटी ब्रांड भी होता है ना, मॉर्गन फ्रीमैन इज़ अ पर्सनल ब्रांड, ब्रांड नेम, तो इनको क्या कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं होती? क्या इनको एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती? इनको हर लेवल पे होती है, हर मुल्क में अलग होती है जहाँ ये ऑपरेट करते हैं, कंसल्टेंट्स की ज़रूरत होती है। आप जितने मर्जी बड़े ब्रांड बन जाएं, कल को जाके यहाँ से सीख के, आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो सेलिंग गेम है इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, देर आर ऑल न्यू टेक्निक्स। वैसे लोग होते हैं जो स्किल्ड होते हैं, जो चीज़ें पढ़ के आते हैं, समझ के आते हैं, वो आपको बताते हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनको हमेशा कंसल्टेंट्स की ज़रूरत रहती है, एजेंसीज की ज़रूरत रहती है, उनके साथ वो काम करते हैं और सारी ज़िंदगी करते रहते हैं। तो ये फूड चेन कभी ख़त्म नहीं होती, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, वैल्यू लैडर कभी ख़त्म नहीं होती। तो हम ये सारी बहस के जो दो मकासद थे बेसिकली, जिसके लिए मैं आज जिस पर आया था बात करने के लिए, वो मेरे ख्याल में उसकी तरफ वापस आते हैं। एक तो ये कि सेलर्स के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई वैल्यू के लिए कुछ और करूँ। मुझे एक बड़ी अच्छी राय किसी ने दी थी, काजी जैन ने दी थी बेसिकली। उसने कहा था कि जी आपका ना एक सेलर्स के लिए, वो किसी भी कोर्स से आएँ, कहीं से भी आएँ, एक हेल्प डेस्क होना चाहिए जो आप कहीं से ईओ जो है उनको हेल्प प्रोवाइड कर सके। मैं उसके ऊपर सोच रहा हूँ कि मैं फौरी तौर के ऊपर उसको कैसे, उस निज़ाम को हम पैदा कर सकते हैं या उसको चला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह। उसमें मैं देखता हूँ कि मेरी अपनी अवेलेबिलिटी कितनी पॉसिबल है, या हम किन लोगों के हवाले कर सकते हैं, जो लोग लॉन्च में से डायरेक्टली गुजर रहे हैं या जो सेलिंग कर रहे हैं, उनको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनके हवाले से हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं बगैर उसमें, बगैर किसी रेड टेप के। तो वक्ती तौर पे तो हम ये कर देंगे उनको कि हम उनका हेल्प कर सकें। अब होता ही है ना, वो फिर अब वही बात आ जाती है कि हम जितनी भी नेक नियति से काम कर लें, लोगों के अपने मसले मसाइल होते हैं, लोग अपने तरीके से लगते हैं, कोई चस्के लेने के भी लिए आ जाते हैं पाकिस्तानियों के साथ, ये भी बड़ा इशू है। तो दूसरा ये कि जो ईओ कावा है उसकी शॉर्ट लिस्ट जो है वो हम इसी वीक में इंशाल्लाह, मतलब ये जो वीकेंड से पहले, हम उसको फाइनल को शेयर कर देंगे। और उसमें अब जो डिसीजन मेरे असल में लेने वाला है वो ये है कि जी, और जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है, कि सेलर्स को उसका पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये है क्वेश्चन। क्योंकि जो उसके ऊपर मैं सेलर्स जिनके साथ जो मेरी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, मैं उनके साथ दोबारा डिस्कशंस करूँगा। मेरे पास सारों के नंबर्स हैं, सारों की वो है, मैं कोई टाइम निकाल के उनसे डिस्कशन करता हूँ इस मौजू के ऊपर, और फिर उसके हवाले से उनका कोई कस्टमाइज हम वो करके फिर हम ये कावा का डिसीजन लेंगे, ताकि जो नए लोग हैं जो VA बनना चाहते हैं उनको ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये मेरे दो, एक तो यानी कि पॉइंट थे, एक ये पॉइंट था ये कावा से रिलेटेड, और दूसरा था मॉरेलिटी से रिलेटेड। मैं डेफिशेंट हूँ, मेरे पास सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, मेरे मॉरल्स भी हो सकता है कहीं ख़राब भी हों, जो मेरे से ज़्यादा हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठे हुए लोगों को नज़र आते हों, और वो आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम फॉर बीइंग देयर टू एडवाइस मी जब मुझे भी कभी ज़रूरत होती है, और आइडेंटिफाई, हेल्प मी आइडेंटिफाइंग दोज प्रॉब्लम्स एंड इंड्यूस मी फॉर द इंट्रोस्पेक्शन। तो मैं उसमें भी अपनी करेक्शंस करता हूँ। तो इसी तरह आई एम श्योर कि आप सब में भी कमियाँ होंगी, और अगर नहीं है तो आप मेरे से बहरहाल हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। तो मैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश मुसलसल कर रहा हूँ, करता रहूँगा। और मैं पहले बता चुका हूँ कि मेंटर वेंटर कोई नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सेलर हूँ, या पहले VA भी था एक ज़माने में। तो हमें अपने आप को बेहतर करना है वक्त के साथ, स्किल को भी बेहतर करना है, मोरालिटी को भी बेहतर करना है, ट्रेनिंग को भी बेहतर करना है, और अपनी लाइफ को बेहतर करना है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमने आगे लेके चलनी है। ये मेरे दो पॉइंट थे आज की डिस्कशन की, जो घंटा डेढ़ में आप लोग कह रहे होंगे बोर हो गए होंगे, बोल रहा था, लेकिन ये ज़रूरी थी चीज़ें कुछ करनी, ताकि कम से कम वो जो 1500 2000 लोग यहाँ पे हैं, या उनमें से जो कोई 200 400 500 लोग यूथ है,
18 से 24 साल वाली, उनको मैं कम से कम कोई लाइन ऑफ एक्शन उनके साथ शेयर कर सकूं कि आपको कहाँ जाना है बेसिकली। उन्होंने उन उनको अगर उन्होंने वो चाहते हैं कि उन्हें कोई लीड करे, जैसे हम जब मैं 20-21 साल का था और मैं जॉब में गया, तो मेरे बॉस वॉज माई बॉस वॉज देयर टू मेंटर मी एंड टू रिफाइन मी एंड पॉलिश मी। तो अगर मैं एज अ ट्रेनर या एज अ कोच, बेशक मैं अमेजोन कोच हूँ, अगर कोई मैं इनपुट दे सकता हूँ आपकी कैरियर की तरफ, तो वो मैं दे दूँ। लेकिन ये कोई मेंटरिंग नहीं है, ये एक एडवाइस है जो एज अ कोच मैं आपको दे सकता हूँ। इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं नवीद, सब मैंने शॉर्ट लिस्ट भी कर लिए थे लोग बेसिकली, लेकिन उसके बाद हमने उसकी अनाउंसमेंट रोक ली, और उसकी वजह यही थी जो मैंने इस पूरे सेक्शन में बताई है। नाजिम, कोई नेक्स्ट बैच नहीं है अभी हमारे माइंड में, और हम इस इतनी दूर देख नहीं रहे। हम इस बैच, हमारी सारी जो फोकस है ना, वो ये है कि इस बैच को कैसे हम कामयाब बनाएं, इन लोगों को कामयाब बनाएं जो हमारे साथ आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग ये फील करें ना करें, लेकिन ये मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा मॉरल बर्डन है कि मैं ऐसे लोग पहले फ़िल्टर करूं और फिर उनको ट्रेन करूं उस एक लेवल के ऊपर जिनमें मोरालिटी हाई से हाई हो, ताकि वो कामयाब हों जाके जब वो मार्केट में किसी पाकिस्तानी सेलर के साथ या किसी इंटरनेशनल सेलर के साथ काम करें, तो वो अपना भी नाम बनाएं और हमारा नाम के भी ख्याल करें। तो ये जो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज है ना, वो यही मोरालिटी है जिसकी वजह से मैं ये डिस्कशन भी आज कर रहा हूँ। ये 10 हफ्ते से, वो 10 हफ्ते का पीरियड हमने ओरिजिनली अनाउंस किया था, लेकिन मुझे लगता नहीं है 10 हफ्ते में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सारे लोगों को बड़ी बेसिक लेवल के ऊपर मिसिंग है इस उसमें कॉन्सेप्ट में। तो हो सकता हम 12 हफ्ते कम से कम इसके ऊपर लगाएं, हो सकता 14 भी हो जाएं, लेकिन 12 तो मेरे माइंड में है कि हो जाएंगे। तो 12 के बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना। तो ये है मामला। तो जो काइंडली जो आपके साथ सीनियर्स हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको अगर कोई आके फ्रैंकली कोई आपको एडवाइस करता है, कोई बंदा, कोई सीनियर स्पेशली, जो वो जो जो कि आपसे एज में बड़ा है या जो इस फील्ड में ज़्यादा अरसे से है, मैं अपने अलावा बात कर रहा हूँ, तो उसकी बात को सुने। स्पेशली अब ये जो बाहर लोग सेटल्ड हैं, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि वो गाए बगाए अपनी फीडबैक देते रहते हैं ग्रुप के ऊपर ओपनली, और पॉइंट आउट करते रहते हैं चीज़ों को कि जी वीएज में कौन सी चीज़ें, उन्हें उन्हें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उसमें बेहतरी क्या लाने की ज़रूरत है। तो वो जो है ना, उनकी वजह से मुझे बहुत मौका मिला इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करने का, और फिर उसके ऊपर थिंकिंग करने का, और फिर उसके बारे में ये सेशन करने का आज। तो मैं उनके लिए स्पेशली थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये कमेंट्स अपने यहाँ पे पास की और फियरलेसली पास किए, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि हम क्या क्या चीज़ें नीड ऑफ द आवर हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और हमें सबसे अहम चीज़ जो एक और समझने की है, वो ये है कि हम जिस किसी के साथ भी अटैच हो ना एज वी है, हमें उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमसे डॉक्यूमेंट साइन कराया जाए कि नॉन डिस्क्लोजर या नॉन कंपीट एग्रीमेंट साइन कराया जाए। हमारे में इतनी मोरालिटी होनी चाहिए कि हमें खुद पता हो कि वो जो नॉलेज है या वो जो इनर सर्कल है उस सेलर का, वो अमानत है आपके पास। एक जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दुश्मन मानता होता था, दुश्मन मतलब कभी आप इसको तसव्वुर करें ना, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए सिर्फ आप तसव्वुर करें, क्या ये पॉसिबल है आज आज के दौर में जहाँ जिसमें हम जिंदा हैं, क्या ये पॉसिबल है कि कोई दुश्मन मेरा जो जानी दुश्मन हो, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहता हो, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, उनको कत्ल करना चाहता हो, शहीद करना चाहता हो, वो बंदा आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानत रख जाए कि जी इससे बड़ा अमानतदार दुनिया में कोई नहीं है, मेरा दुश्मन, जानी दुश्मन, इससे बड़ी कोई मॉरल मॉरलिटी की मिसाल है कहीं पे? मतलब ये आप कहेंगे जी ये बड़ी
वो इसको इमोशनल एक वो टच मैं दे रहा हूँ, इमोशनल टच नहीं, ये रियलिटी है। मतलब मैं तो इसको कहता हूँ, इसको माइंड बॉगलिंग जिसको बोलते हैं ना, माइंड ब्लोइंग, कि ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम आज के दिन में, कि किसी बंदे के पास जो आपका जानी दुश्मन हो, जो आप पे पत्थर बरसाता हो, जो गुलामों को भेजता हो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आपको कत्ल करने के लिए रातों के अंधेरे में, वो दिन के दहाड़े आपके पास आए, आपकी अमानत, अपनी अमानत आपकी झोली में रखे और कहे मोहम्मद की ये मैंने तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम सब, मुझे पता है कि तुमसे ज़्यादा अमानतदार कोई नहीं, तो ज़रा तसव्वुर करें इस बात का, है ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा कमाल, ऐसा मतलब हम उस नबी की उम्मत है ना, तो उनके मुकाबले में हम तो खैर वहाँ कभी पहुँच नहीं सकते, लेकिन उनकी एजुकेशन देखें और हमने उसको कहाँ पहुँचा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें समझने की ज़रूरत है, और इकाइयाँ ठीक होना ज़रूरी होती हैं, अपने घर से करेक्शन ठीक होती है। ये बड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, और वो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने आप को ठीक कर लेंगे तो लोग आपके साथ वैसे ही अच्छा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बंदा, मैं किसी को गाली निकालूंगा तो मुझे गाली निकालेगा, अगर मैं उसको गाली नहीं निकालूंगा तो मुझे गाली नहीं निकालेगा, या वो एक बार निकालेगा, जब मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, मैं उसको गाली के बदले में गाली नहीं दूंगा, तो वो अगली बार मुझे गाली नहीं देगा, या वो ज़्यादा ज़्यादा पहले जैसे पाकिस्तानी कल्चर सोचेगा यार डर गया ये कहेगा, लेकिन ये डरना वरना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि किसी के हाथ में किसी का ना रिस्क है ना जान है, डरना वरना कुछ भी नहीं होता। हर बंदे की अपनी मॉरलिटी होती है, उस मॉरलिटी के लिहाज से रिस्पॉन्ड करता है, उस तरीके से वो रिएक्शन देता है। तो ये है बेसिकली बात है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैं एक बार आखिर में फिर बताना चाहता हूँ कि जो मेरे सेलर्स जो हम सुन रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ट्रेनिंग कोर्स कोई पहले लिया है और वो डीमोरलाइज्ड है किसी भी वजह से, तो प्लीज़ डीमोरलाइज ना हो। उसकी वजह यह है कि इंसान गलती इंसान करता है ज़िंदगी में, नुकसानात होते हैं, गलत फ़ैसले हो जाते हैं, बात यह कि वहाँ से आपने दोबारा उठना होता है, करेक्शंस करनी होती हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलना होता है। तो अगर आप से कोई मिस्टेक हो भी गई है और आपको लगता है कि आप वो वैल्यू आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो इसमें घबराने की बात नहीं, उसमें दिल छोड़ने की बात नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता या ये मैं नहीं हो सकता, या अब आप वहाँ से उठ के यहाँ के आप ये में आपको पता चला कि जी ये चीज़ें बड़ी, ये तो कुछ और है, ये तो मैं अभी वहाँ पहुँचा ही नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। क्या हम, मैं ज़िंदगी के 40-42 साल हो गए हैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, या 10 साल से मैं अपनी औलाद की परवरिश कर रहा हूँ, तो क्या मेरा दिल नहीं करता कि हर बाप की तरह की औलाद फ़ौरन से जवान हो जाए और मेरा सहारा बन जाए? हर हर बाप का, हर पेरेंट का दिल करता है, लेकिन वेट करना होता है ना, उसके टाइम होता है, औलाद वक्त लगता है जवान होने में, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में, उनको किसी काबिल बनाने में, या वो जो पैसा कमा के लेके आए, या अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लें, या ख़ुद को सस्टेन कर सकें, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, उस वक्त तक पहुंचने में वक्त लगता है। तो अगर आप 6 महीने पहले सेलर बने, और सॉरी आपने कोई ट्रेनिंग ज्वाइन की और कहा कि मैं 6 महीने में लॉन्च कर लूँगा, और वो नहीं हो सकी, अब आपको एहसास हुआ कि मैं लॉन्च कर तो लेता हूँ लेकिन मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ चीज़ों का मुझे नहीं पता, तो स्टेक पे होंगी चीज़ें, तो 6 महीने इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। देखें हम, मैं 10-12 साल से अपनी औलाद के बड़े होने का वेट कर रहा हूँ और करता रहूँगा 10-12 साल अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो, जब तक वो जवान नहीं होते। तो वो पौधा जो आप आज लगा रहे हैं, अगर वो आपको 6 महीने और इंतज़ार करना पड़ता है उसके फल खाने में, तो कोई ऐसा मुजायका नहीं है उसमें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी कबाहत नहीं है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पेशेंट रहें, पैसा जो आपके पास, फ़र्ज़ करें आपके पास 25-30-50 हज़ार डॉलर है और आप वो अभी लगा के जल्दबाजी में अगर ज़ाया कर देते हैं, तो उससे बेहतर है आप 2-4-6 महीने वेट कर लें, सीख लें और फिर लगा लें पैसा उसको। कम से कम आप कोई, अगर आप 10% भी उसके अंदर से रिस्क कम कर लें, मिटिगेट कर सकें सीख के, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपने प्रोबेबिलिटी बेहतर कर ली अपनी कामयाबी की। ये है चीज़, दिस इज़ व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन, अगर वही आपके पास 40-50-60 हज़ार डॉलर है तो। और एक लिस्ट जो है वो कोई
एक लिस्ट जो है वो कोई अखीर नहीं है दुनिया की। अब यहाँ लोग आते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं रिजवान भाई ये लिस्ट थी मेरी वो ख़त्म हो गई, या मतलब वो चल नहीं रही, प्रॉब्लम हो गया उसमें, या कोई भी इशू है। तो मैं उन्हें हमेशा ये ज़रूर कहता हूँ साहब कि यार कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो, कोई ना कोई हल होता है। वो ठीक है मेरे और आपके पास ना नहीं होगा हल, लेकिन किसी बंदे के पास इसका हल ज़रूर होगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो आप आपको आ रहा है। ठीक है मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, हो सकता है मेरे पास ना हो जिसके लिए आप मेरे पास हैं, लेकिन किसी के पास तो होगा ना दुनिया में यार। वट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू नेटवर्क एंड वॉक अप टू दैट पर्टिकुलर गाय टू हैव इट फिक्स्ड। दिस इज़ वॉट शुड डू, बजाय इसके कि हम छोड़ दें उसको कि ऐसे पे लानत भेज दें या पैसे पे लानत भेज दें या गिर जाएं, घुटने टेक दें कि ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। वो मेरे आपके और हम 1800 2000 लोगों के पास हो सकता है उसका हल ना हो, लेकिन किसी 2100 जो बंदा है उसके पास वो, हमें उस 2100 वाले बंदे को ढूंढना है, वहाँ तक पहुँचना है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की। जब हम वो सोल्यूशन ले आएंगे बस फिर कहानी शुरू हो जाएगी, फिर नई तगो दो, फिर अगले किसी प्रॉब्लम पे फिर दोबारा मुलाकात हो जाएगी। तो ये लाइफ में ऐसे ही होता है, जब एक प्रॉब्लम आता है खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ये हो, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है थाने जाता है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो ऐसे बंदे को ढूंढता है जिसकी थाने में कोई से हो या कोई बात जाके कह सके या छुड़वा सके बंदा। ऐसा करते हैं ना हम, एक प्रॉब्लम आता है, अब हम कभी ज़िंदगी में थाने नहीं जाते, लेकिन हमें जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो हमें थाने ले भी जाए और वहाँ पे जाके उनसे बात भी करे और वहाँ से हमारा बंदा छुड़वा के भी ले आए। यही करते हैं ना हम, या वो वकील होता है या कोई हल्के का बड़ा MNA MPA होता है या कुछ भी होता है, या कोई हम ढूंढते हैं कि हमारा कोई अपना पुलिस में कोई बंदा हो कोई हमारे नेटवर्क में। तो ये सेम सिनेरियो जो है ना, ये यही बिल्कुल ऐसे अमेज़ॉन की लिस्ट के ऊपर भी होता है कि अगर आपकी अमेज़ॉन की लिस्ट में कोई ख़राबी हो गई है तो वो कोई अखीर नहीं हो गई, या वो बंदा जो ढका गया है थाने में कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी उस बंदे के लिए या आपके लिए, अल्लाह माफ़ करे। सोल्यूशन होता है हर चीज़ का, आपने वो ढूंढना होता है, सही लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी होती है, सोल्यूशन ढूंढना होता है और उसको दोबारा अपनी राह पे चला देना होता है। ये होता है, ख़त्म नहीं होती कोई भी लिस्ट अंटे अनलेस कि कोई ऐसा कोई काम हो जाए जो कि सिवाय अमेज़ॉन के उसको कोई यानी कि उसका सोल्यूशन ना ढूंढ सके। अमेज़ॉन अब जहाँ पर डीट हो गया तो वहाँ बड़े बड़े वकील भी रह जाते हैं वो जो रीइंस्टेटमेंट के होते हैं। तो बाकी दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है यार जिसका हल ना हो। तो इस हवाले से कि जो कोई ऐसा सेलर या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये इदराक हो रहा है कि जी उसने वक्त या पैसा ज़ाया कर दिया, तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यार। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा ज़ाया किया, कुछ दानिस्ता कुछ गैर दानिस्ता, लेकिन कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो फिर ये आगे मामला चलते ही ना। तो कोई बात नहीं, इंसान की ज़िंदगी में नुकसान होते हैं, लेकिन बात यह कि आपने कितनी जल्दी उस गलती से सीख लिया और उसमें करेक्शन कर लिया, और अब आप रूफली और रूथलेसली अपने ऑब्जेक्टिव के पीछे लग के काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर फोकस करें और 2-4-6 महीने के तगो दो से और या आगे हो